Hello students, welcome to Unacademy. My name is Jayant Singh and I am your physics educator. So we are in the platform of Unacademy. Let's crack JEE 2020 and 2021. Okay, so ye is motto ke sath hum log yahan par aaye hain. These are my colleagues. They are going to help you at different subject at different time. इसके साथ ही साथ अनअकैडमी में बहुत से टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपके डिफरेंट समय पर हेल्प करेंगे. ओके, इसके साथ ही स्पेशल क्लासेस का क्या मतलब है? स्पेशल क्लासेस में हम उन क्लासेस को कंडक्ट कराएंगे जो क्लासेस इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट मतलब किस दृष्टि से है? एग्जाम के दृष्टि से जो इम्पॉर्टेंट है, दूसरे जो बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, ऐसे टॉपिक को हम कवर कराने की कोशिश करते हैं यहाँ पर. ओके एवरीवन, तो ऐसे टॉपिक को यहाँ पर स्पेशल क्लासेस पहले आपको रेगुलर क्लास में आप कर सकते हो, इसको स्पेशल क्लासेस में भी कर सकते हो. स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होंगी बेटा, सबसे पहली बात. और अगर ये फ्री क्लासेस हैं तो इसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप इसका एक्सेस कर सकते हो. चलिए नेक्स्ट है, जैसे ही बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन में जाता है तो क्या होता है, उसको ये फील होता है कि वो कैसे बात कर पाएगा, ठीक है, कैसे अपने एजुकेटर से कॉन्टेक्ट करेगा, जब एजुकेटर क्वेश्चन पूछेगा तो वो कैसे रिप्लाई करेगा. उन सब चीजों की व्यवस्था अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में है. जैसे चैट विद एडुकेटर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, चैट करोगे एडुकेटर से एट एन इंस्टेंट उसी समय पर और आपको आंसर मिल जाएगा. दूसरी बात, इंटरएक्टिव पोल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरएक्टिव पोल? इंटरएक्टिव पोल मीन्स यू हैव टू गिव द आंसर इन द फॉर्म ऑफ एबीसी व्हेन द एडुकेटर आस्क द क्वेश्चन. और जैसे आप एबीसीडी के फॉर्म में आंसर दोगे तो क्या होगा, जब आपने कितने समय में दिया, कितने टाइम इंटरवल में लिया उस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए, दूसरा जब आपने आंसर दिया तो वो गलत दिया कि सही दिया वो भी उसमें कैलकुलेट हो जाएगा. इससे क्या होगा, आप कौन सा क्वेश्चन सही कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन गलत कर रहे हो, इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा. इसके साथ ही साथ यहाँ पर एडुकेटर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी बता देगा अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है. लर्न एनी टाइम एनी वेयर. एनी टाइम एनी वेयर का मतलब यह है कि मान लीजिए आपको रात में पढ़ने का बड़ा मन करता है तो आप रात में पढ़ सकते हो. एनी वेयर का मतलब है आप, एनी वेयर का मतलब आप कहीं भी बैठकर, ठीक है, बस आपको एक मोबाइल और एक इंटरनेट की जरूरत है और आप उसको यूज कर सकते हो. इसके लिए आपको करना क्या होगा बच्चों, इसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस में आईआईटी जेई का सब्सक्रिप्शन बेचल लेना है. इसमें सब्सक्रिप्शन कौन कौन से होंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ, ठीक है. तो अगर आप अभी एग्जाम दे के आए हैं और आपका एग्जाम किसी रीजन से अच्छा नहीं हो पाया है तो आप इसको ले सकते हैं. ये 3 मंथ का कोर्स है, ठीक है, और इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा. कैसे डिस्काउंट मिलेगा, कैसे क्या होगा, वो अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है. इसके साथ साथ अगर आप क्लास 9th, 10th और 11th में हैं तो आपको लेना चाहिए 24 मंथ का कोर्स. बच्चे ये पूछते हैं सर 9th वालों को क्या जरूरत है? बेटा देखिए, 9th में अगर आपने 5 चैप्टर तैयार कर लिए और 10th में 5 चैप्टर तैयार कर लिए जो कि 11th और 12th से मिलते हैं, तो आपके 5-5 चैप्टर करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों मिला के 28-30 चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आपको आगे वाले आने वाले समय में उन चैप्टरों को कम पढ़ना पड़ेगा और दूसरे चैप्टर्स को आप ध्यान दे सकते हो और उन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल ज्यादा कर सकते हो. तो न्यूमेरिकल जब ज्यादा होंगे तो क्या होगा बच्चों, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाओगे इन द फाइनल एग्जाम आपको बेटर फील होगा, आपको क्वेश्चन लगेंगे देखते हुए. नेक्स्ट, अगर आप 11th से 12th में जा रहे हैं या 12th प्लस में है तो आपको लेना होगा 12 मंथ का पैकेज. ओके, कितने मंथ का, 12 मंथ का पैकेज लें तो आपको यहाँ पर जो 12 मंथ का पैकेज होगा वो कितने का होगा बच्चों, वो होगा 30,000 का. और इसमें मिलेगा क्या क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ. ये जो 30,000 है ये सब्सक्रिप्शन चार्ज है. सब्सक्रिप्शन का मतलब समझो बेटा, सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि जब आपने अनअकैडमी प्लस में आईआईटी जेई का सेक्शन सब्सक्राइब कर लिया है, इसका मतलब कि आप आईआईटी जेई के जितने भी लेक्चर वहां पर पढ़े हैं या जो भी लेक्चर दे रहा है कोई फैकल्टी, कोई भी जैसे मैं या कोई, आप किसी को भी एक्सेस कर सकते हो. इट इज डिपेंड्स ओनली ऑन यू. ओके बच्चों, चलिए इसके साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साथ आपको मिलेगा डाउट सेशंस. हर तीसरे क्लास में डाउट सेशंस होंगे. डाउट सेशंस के बाद मिलेगा क्या, नोट्स मिलेंगे और नोट्स के बाद आपकी तैयारी कैसी चल रही है उसके लिए टेस्ट और टेस्ट होंगे. ओके, टेस्ट और क्विजेज आपको कंडक्ट कराई जाएंगी, आप उसको कंडक्ट कर सकते हो. ओके चलिए, ये तो इतनी बात हो गई. अब बच्चे कहते हैं सर ऑफलाइन क्यों नहीं अच्छा है? देखिए बेटा, ऑफलाइन में सबसे पहले आपको फीस देनी होगी 1 लाख रुपीज और आपको एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर स्लॉट में जाना होगा वहां पर, और तब वहां पर आपको स्टडी करने को मिलेगी. ठीक है, अगर आपकी क्लास मिस हो गई किसी रीजन से तो मिस हो गई, फिर आप किसी दूसरे बैच में जाते हो. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आप यहाँ पर इसको नहीं पा सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या, आपकी वो क्लास रिकॉर्ड हो गई, आपने रात में देख लिया आके. ओके, अब
बच्चे कहते हैं सर ये 30,000 अमाउंट कुछ ज्यादा है, तो 30,000 ज्यादा है तो आप 10% डिस्काउंट के हकदार हैं अगर आप जीएस लाइव स्पेशल कोड का यूज करते हैं। ठीक है, जब आप इसका यूज करेंगे तो आपको फीस जो वन ईयर की है वो 27,000 और ये वाली फीस जो 24 मंथ की है वो हो जाएगी 43,200। वो एक्चुअल फीस क्या है 48,000। इसी तरह 3 मंथ का कोर्स भी बहुत लोग ले रहे हैं, इसलिए 3 मंथ का भी मैं बता देता हूँ 13500 हो जाएगी। ठीक है, तो इनमें से कोई भी अगर कोर्स लेना हो तो ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स हंट एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके लिए करना क्या होगा, सभी को मालूम है, अपने मोबाइल प्ले स्टोर से लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको आई आई टी जेई को क्लिक करना है। ठीक है, फाउंडेशन को भी क्लिक कर सकते हैं, एनआईटी को, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। ओके, सभी जगह जेएस लाइव काम करेगा, सभी कोर्सेज में कोई भी कोर्स आप ले लें जेएस लाइव काम कर रहा होगा। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है वो है आईआईटी जेई, तो हम आईआईटी जेई को क्लिक करेंगे। इसके बाद वो आपसे पूछेगा आपके क्रेडेंशियल्स, मतलब नेम, डेट ऑफ बर्थ और बहुत सी जानकारियां, कितने मंथ का आपको कोर्स लेना है। उसके बाद आपसे पूछेगा हैव यू एनी रेफरल कोड, जब तक कि आप रेफरल कोड नहीं एंटर करोगे तब तक ये 48 अमाउंट फीस दिखाएगा। देखिए, जैसे ही आपने यहाँ रेफरल कोड डाल के और अप्लाई डाला, अप्लाई का बटन दबाया, तो ये क्या कहता है, इसकी फीस कम हो गई, 43,200 हो गई और आप अपने पेरेंट्स की मदद से इसे क्या कर सकते हो, इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के मेंबर बन सकते हो और लेट्स क्रैक जेई के पार्ट बन सकते हो। ओके, जिससे कि आपका जेई में अच्छी रैंक आ सके और जेई को आप क्वालिफाई कर सको और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सको। चलो बात करते हैं हम अपने सब्जेक्ट के बारे में। हम चल रहे थे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, अब हम मूविंग अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे थे। इसमें हमने दो बातें कर ली थी। ठीक है, कौन सी, एक पैरेलल वाली और एक एंटी पैरेलल वाली और एक परपेंडिकुलर। ठीक है, 3 बातें हमने कर चुके थे। ठीक है, पैरेलल और एंटी पैरेलल को हम एक बार में पढ़ चुके थे एक ही शॉट में। दूसरे वाले शॉट में मैंने पढ़ा दूसरी वाली बाद में कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल था वो कितना था, 90 डिग्री था। उसके में हमने रेडियस फाइंड आउट की थी, आर इक्वल टू एमवी अपॉन क्यूबी। ठीक है, ये हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है और हम करीब यहाँ कहीं पहुंच गए हैं, यहाँ पर करीब चल रहे हैं। एमपीएस सर्किट लॉ ये सब हमारा खत्म हो चुका है। चलिए, हमने लिखा है रिवीजन, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों का रिवीजन करना है पहले ये बताइए। रिवीजन करने के लिए रिवीजन करने के लिए सबसे पहले हम अपने स्टार्टिंग फॉर्मूले से चलते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से फॉर्मूले लिख लेते हैं जिससे कि आपको याद रहे सब फॉर्मूले। B इज इक्वल टू बायो सेवर्ट लॉ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, I dl क्रॉस R, ओके, R क्यूब। मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बच्चों को फिगर मालूम ही होगा, नहीं होगा तो चलिए यहाँ पर बनाता जाऊँ क्या। चलिए ठीक है, यहाँ बना देता हूँ। ये वायर L है, ठीक है, ये R है, ये P है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, करंट I फ्लो कर रहा है और ये dl। ठीक है, इसी तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फाइनाइट वायर हमने फाइंड आउट की थी, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, I बाई डी, ओके, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये हमने एक फॉर्मूला यूज किया था। ठीक है बच्चों, उसमें हमने ये वायर लिया था, यहाँ पर पॉइंट ये डी था, यहाँ पर, यहाँ से हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था और इसमें ये करंट था आई, इसमें ये थीटा 1 था, इसमें ये थीटा 2 था। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट की थी, ये डिस्टेंस हमने एक्स दिया हुआ था, तो इसकी वैल्यू जो आई थी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला होता है ऐसा ही कुछ, जो हमने उस समय वहीं पर बताया था। इसके बाद हमने सोलेनाइड की बात की थी, सोलेनाइड में भी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बी इक्वल टू न्यू नॉट एन आई, ठीक है, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था। ठीक है, थीटा 2 और थीटा 1 कैसे लिया था, सोलेनाइड ये था ऐसा, ठीक है, सोलेनाइड ऐसा था, हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं जिससे कि टाइम भी वेस्ट ना हो और आपका रिविजन भी हो जाए। ये वाला थीटा 2 था, ये वाला थीटा 2 था और ये वाला थीटा 1 था। ठीक है एवरीवन, और जो मेन फॉर्मूला था सोलेनाइड का वो हमने बताया था, बी इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई। इसके पहले हमने बहुत से आपको कंडीशन बता दी थी कि कैसे आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, 3 बताए थे। ठीक है, उनका भी आप रिवीजन कर सकते हैं हमारे पहले लेसन से। ठीक है, इसके बाद जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है,
जो अभी हमने बात की उसमें हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक चार्ज पार्टिकल के बारे में बात की थी। तो चार्ज पार्टिकल जब पैरेलल और एंटी पैरेलल था तो फोर्स कितना लग रहा था वहां पर, पैरेलल और एंटी पैरेलल वाले केस में फोर्स जीरो लग रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्यों फोर्स जीरो लग रहा था, क्या फॉर्मूला था इसका? F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी था। क्या था? F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वी और बी पे वेक्टर लगेगा और एफ पे भी वेक्टर लगेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप मेरे लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था या उससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया होगा, आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने पूरा प्रॉपर इसको बताया है। इसके बाद हमने पढ़ा था आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी पढ़ा था, एक ये फॉर्मूला पढ़ा था और एक फॉर्मूला पढ़ा था टू पाई एम अपॉन क्यू वी। ये दो तीन फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, ये दो तीन नहीं बहुत सारे फॉर्मूले सॉरी बहुत सारे फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं अपने पुराने लेक्चर्स में। ओके एवरीवन, चलिए अब हम बात करते हैं अपने आज वाले लेक्चर के बारे में। अब यहाँ पर इसकी हेडिंग डाल देता हूँ मैं, मैंने हेडिंग इसमें नहीं डाली क्योंकि हेडिंग बच्चों के सामने डालने में समझ में आता है बच्चों को, ठीक है। पहले क्या हुआ था, वी और बी, ठीक है, वी और बी एक ही डायरेक्शन में थे, थीटा जीरो था पहला केस जब एफ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कितना आ था, जीरो आ था। दूसरे केस में हमने लिया था वी और बी परपेंडिकुलर थे, यहां इफ एंगल बिटवीन वी एंड बी इज थीटा, ठीक है। क्या हमने लिया है, एंगल लिया है वी और बी के बीच में, एंगल हमने क्या लिया है, थीटा लिया हुआ है। देखिए कैसे लिया हुआ है, ध्यान से देखिए, वन सेकेंड, ध्यान से देखिए, ये चार्ज पार्टिकल है Q जिसका मास m है और ये यहां पर था, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारे इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड देखिए इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इससे हमने थीटा डिग्री पर बनाते हुआ एक v ले लिया, ठीक है, क्या लिया है, v लिया हुआ है। तो हमने इसको वेलोसिटी दी किस डायरेक्शन में, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी तो हमने उसको कुछ एंगल थीटा से वेलोसिटी दे दी। जब हमने उसको थीटा से वेलोसिटी दी तो क्या क्या हुआ, देखिए हमने v के पहले दो कंपोनेंट किए, कौन कौन से कंपोनेंट हुए, देखिए v cos थीटा आया और v sin थीटा आया, क्या आया, v cos थीटा आया और v sin थीटा आया। तो देखिए v cos थीटा उसको आगे बढ़ा रहा है और v sin थीटा क्या कर रहा है, उसे क्या करेगा, रोटेट कराएगा। कैसे रोटेट कराएगा, ये कैसे सर आपने कह दिया, देखिए आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो हमारी लास्ट वाली क्लास में हमने ऐसा कुछ फिगर बनाया था और एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी v दी थी, ठीक है। तो अगर आप इधर से देखोगे, इधर से यहाँ से इसका साइड व्यू, तो ये ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, v बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा और ये होगा v साइन थीटा, ओके। और अंदर की तरफ जो जा रहा होगा, इसके अंदर की तरफ जिसको हम क्रॉस से दिखाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये v cos थीटा का डायरेक्शन होगा, ठीक है, v cos थीटा अंदर की तरफ कर रहा होगा और v sin थीटा ऊपर की ओर। तो v sin थीटा तो उसे सर्कुलर घुमाएगा, v sin थीटा कैसे सर्कुलर घुमाएगा, ये आपको हम पहले बता चुके हैं कि f इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी लगेगा। तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके घुमाता रहेगा इसको, ठीक है, f इक्वल टू, तो ये एफ एम लगेगा, ठीक है, ये इसे सर्कुलर घुमाएगा और v cos थीटा क्या करेगा, उसे बढ़ाएगा। तो r का जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, r इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, ये इसका फॉर्मूला नहीं है बच्चों, ये हम फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं उस केस में जब v और b परपेंडिकुलर थे, जब v और b परपेंडिकुलर थे। तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा, यहाँ पर बेटा चेंज ये आएगा कि आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होगा b का, नहीं v का, कैपिटल v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होगा, ठीक है, किससे, b से। देखिए b का डायरेक्शन ऐसे है, b का डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, b का डायरेक्शन अगर ऐसे है और v का डायरेक्शन अगर ऐसे है, v का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, ऐसे देखते हैं, b का डायरेक्शन इस साइड पे, v का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट होगा, तो ये वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है, ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये वाला कंपोनेंट होगा बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, उसे हमने कहा है v sin थीटा। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, r इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये इसका फॉर्मूला है। कहीं कहीं पर आपको r इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी भी लिखा मिल सकता है, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको लेना है,
ठीक है, कहेंगे मान लीजिए थीटा इधर से दिया हो तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने वी साइन थीटा ही लिख दिया। मान लीजिए ये थीटा इधर से ना देखे, इसने इधर से दे दिया, या कुछ क्वेश्चन में कुछ भी ऐसे चेंज कर दिए, तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, आर इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसके बाद इसको और थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ठीक है, तो टी के बारे में बात करते हैं। टी क्या होगा, कोई बता सकता है टी क्या होगा? थोड़ा सा इसके पाथ पे भी गौर करते हैं, टी को पहले बाद में, पहले इसके पाथ पे गौर करते हैं। थोड़ा सा पाथ पे जब गौर करते हैं तो देखिए, ये जो वी वाला कंपोनेंट है, वी साइन थीटा वाला, ये क्या कर रहा है? ये सिर्फ सर्कुलर घुमा रहा होगा, अभी मैंने बताया था, लेकिन ये कंपोनेंट क्या कर रहा है सर? बेटा ये कंपोनेंट इसको आगे बढ़ा रहा है। जब इसे आगे बढ़ा रहा है, अगर ये आगे ना बढ़ा रहा होता, ये कंपोनेंट नहीं होता, तो क्या होता? ये यहीं पर सर्कुलर करता रहता, यहीं पर सर्कुलर करता रहता, यहीं पर। लेकिन वी कॉस थीटा की वजह से ये आगे बढ़ रहा है, और वी कॉस थीटा क्या है? कॉन्स्टेंट है, तो हर बार ये स्पाइरल, आपने देखा है ना कॉपियों में स्पाइरल होता है, स्पाइरल आप कराते हैं वैसा ये बनाएगा, और स्पाइरल बनाते हुए आगे बढ़ता जाएगा। तो दो इनके बीच की दो सर्कुलर जो दो बनाएंगे उसको हम कहते हैं पिच, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पिच। और जो ये पाथ बना के चलता है उसे हम क्या कहते हैं? हेलिकल पाथ। क्या कहते हैं? हेलिकल पाथ। ओके एवरीवन, इसे कहते हैं हेलिकल पाथ। और दो पाथ के बीच के, दो के डिफरेंस के बीच को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं, दो कॉन्जुगेट को, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पिच। ओके एवरीवन, क्लियर? इसे किसे पिच कहते हैं, और किसे कौन हेलिकल पाथ है? ये जो पाथ बनाएगा उसे हेलिकल पाथ कहेंगे, और दो कंसेक्यूटिव सर्किल जो बनाएंगे एक दूसरे से डिस्टेंस, उसको हम कहेंगे पिच। ओके एवरीवन, चलिए अब बात करते हैं टी की, ठीक है। टी के बारे में जब हम बात करते हैं तो टी इज इक्वल टू वही रहेगा, टू पाई एम अपॉन क्यूबी, ठीक है, जो हमने इससे पहले पढ़ा था। क्योंकि टी जो डिपेंड करता है वो मास पे डिपेंड करता है, क्यू पे डिपेंड करता है, और बी पे, और हमने इनमें से कोई भी चीज नहीं छेड़ी है, नहीं चेंज की है, इसलिए ये है, ठीक है। यहीं पर हम एक चीज और लिख देते हैं, एक चीज और लिख दीजिए, v cos थीटा मूव्स फॉरवर्ड, मूव्स पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल फॉरवर्ड। ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये फॉरवर्ड इसे ले जाता है, ठीक है। अब पिच के बारे में बात करते हैं, पिच क्या होती है? ये टी क्या है? टी एक राउंड का समय है, टी क्या है? एक राउंड का समय है। पिच क्या है? डिस्टेंस है उन दोनों के बीच का, तो एक राउंड का समय इंटू मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, ठीक है, तो क्या होगा ये? वी पैरेलल इंटू टी, वी पैरेलल इंटू टी। इस केस में वी पैरेलल क्या है? वी कॉस थीटा है, ठीक है, और टी क्या है? टू पाई एम बाई क्यूबी। ये हुआ हमारा इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ये आया इस केस में, लेकिन आप जनरल जब याद करोगे तो ये याद करो, कौन सा याद करो? ये याद करो। तो आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है इस जगह पर? एक ये याद रखना है कि पिच आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये तो हमारा पुराना फॉर्मूला है, टी इक्वल टू टू पाई एम अपॉन क्यूबी, इसे भी आप अच्छे से पढ़ के रखना, ठीक है। इसके अलावा ये वाला एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यूबी, इसे भी रखना है, और वी कॉस थीटा का कंपोनेंट क्या करता है इसे भी हमको ध्यान में रखना है, ठीक है एवरीवन। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं और आगे की, ये देखिए अब हमने एक और सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, बात को समझिए, यहाँ पर हम कर क्या रहे, यहाँ पर हम वी और बी तो है ही, लेकिन एक चीज और आ गई, क्या आ गई? रुक जाइए एक मिनट, लिख देता हूँ हेडिंग, ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी आर पैरेलल, मतलब ई और बी एक ही साथ पैरेलल हैं, ठीक है, एक साइड में है, ठीक है, एंड बी इज परपेंडिकुलर, इस केस को देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इस केस को ध्यान दीजिए, ये केस उसी से कुछ मिलता जुलता है, उसी से कुछ मिलता जुलता है, इवन दो कुछ लोग इसको छोड़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पर ई और बी लिखा हुआ है, ई और बी को मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल जो क्यू चार्ज है और मास एम है, इसे हमने परपेंडिकुलर ही छोड़ा है, परपेंडिकुलर छोड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वहीं पर सर्किल करता रहना चाहिए था, वहीं पर सर्किल करता रहना चाहिए था, क्योंकि जो सबसे दूसरा वाला केस हमने बनाया था r इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी के हिसाब से क्या होना चाहिए था, ये यहीं पर क्या होता,
यहीं पर सर्किल करते रहना चाहिए था, इसे सर्किल करते रहना चाहिए था यहीं पर, लेकिन क्या चीज थी जो इसे आगे लेके जाने लगी? क्योंकि तो देखिए ये तो आगे बढ़ने लगा। अगर आप इस फिगर को देखिए और यहाँ पर एक चीज और देखिए, जो पिच है वो बढ़ती जा रही है, ये जो पिच है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर इन दोनों का डिस्टेंस देखिए और इन दोनों का डिस्टेंस देखिए, मैंने थोड़ा सा कुछ बढ़ा के बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो डिस्टेंस है वो क्या करके बनाया हुआ है, बढ़ा के बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कि क्या इसमें क्या रीजन है कि वो आगे बढ़ रहा है। इसका रीजन है ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज नहीं किया है, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूज किया है। तो सबसे पहले रेडियस के बारे में बात करते हैं। तो रेडियस क्या होता है, कोई बताएगा? आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी, और वी कौन सा कंपोनेंट होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू बी होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बी होता है, परपेंडिकुलर टू बी होता है, ठीक है। आर इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू वी, ये वी परपेंडिकुलर किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया एम वी नॉट अपॉन क्यू बी, क्योंकि ये जो v है ये किसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है इस b के, ये b की लाइन आ रही है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा r का, t का, t में कोई फर्क पड़ने वाला है, t इक्वल टू टू पाई m अपॉन क्यू बी, ठीक है, t इक्वल टू टू पाई m अपॉन क्यू बी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब आते हैं पिच पे, यहीं पर बात कर लेते हैं पिच की भी। पिच p1, ये पिच, पिच कैसे लगेगा, पिच कैसे लगेगा कोई बता सकता है, पिच को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए इनिशियली, इनिशियली वो जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो आप यूज करो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे हमने P1 से डिनोट किया, मतलब S, S P1 क्या है, पिच है, मतलब वो पिच जो है वो डिस्टेंस ही तो है। इनिशियल वेलोसिटी इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नहीं दी गई है, तो जीरो प्लस हाफ ऑफ A, A को क्या लिखे बच्चों, कोई बता सकता है A को क्या लिखे? देखिए इस पे जो चार्ज है उस पे F लग रहा होगा, F क्या लग रहा होगा, F इक्वल टू क्यू ई लग रहा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू ई नॉट लिख दें क्योंकि ई नॉट मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और इसका जो मास है m है, तो f की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m a इज इक्वल टू क्यू ई नॉट, ओके, ठीक है, a इक्वल टू क्यू ई नॉट बाई m, ठीक है, क्या हुआ, क्यू ई नॉट बाई m इंटू टी स्क्वायर, ओके, क्लियर एवरीवन, एवरीवन क्लियर, सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे p2 कौन सी पिच होगी, p2 मतलब यहां से यहां तक का, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए P2 इज इक्वल टू वन बाई टू, ठीक है, एक्सीलेशन क्यू ई नॉट अपॉन m, ठीक है, टू टी स्क्वायर, मतलब टू टाइम्स t, मतलब दो राउंड घूम गया सबके बाद, ठीक है, टू टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर, ओके एवरीवन। तो ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है उस केस में जब हमको ये मिल जाए e, ठीक है, ई लगा दी गई, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये पिच के बारे में ध्यान रखना है कि पिच में कैसे चेंज आते हैं, ठीक है, एक ये भी यहाँ पर भी बच्चे कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं, वैसे नहीं कंफ्यूज होंगे इस केस में। तो इसको क्या करना है, इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रही है, ठीक है, इससे पहले वाले केस में क्या था, इससे पहले वाले केस में वी जो था वो कुछ एंगल पे बना रहा था, तो जो वी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट था उस केस में, ठीक है, जो वी के पैरेलल था, ठीक है, वो उसको बढ़ा रहा था, और जो वी जो B के परपेंडिकुलर था वो क्या करा रहा था, सर्कुलर करा रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी जो है V नॉट वो तो परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसे आगे बढ़ा दी है, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, आगे मैंने एक क्वेश्चन डाल रखा हुआ है, ठीक है, अब क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको डिक्टेट कर देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन एवरीवन, ठीक है, ये एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, इसका मास एम है, इसको हमने एंटर कराया है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी है जो इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है बी, ठीक है। तो हमको इसमें क्या करना है, इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है,
time spent by the particle in the magnetic field. Okay everyone, हमको वो टाइम निकालना है जिस समय तक वो इस मैग्नेटिक फील्ड में रहा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वन सेकेंड, ये चार्ज था, इसको हमने वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी थी वी नॉट, ठीक है। जब हमने इसको डायरेक्शन में वी नॉट वेलोसिटी दी थी और जब ये ऐसे चला होगा तो फोर्स कहाँ लगा होगा, इस तरफ लगा होगा। फोर्स का डायरेक्शन मैंने हल्का सा बना दिया है, ये इस डायरेक्शन में होगा फोर्स, ठीक है। और ये जो फोर्स होगा ये किस तरफ दिखा रहा होगा, ये इसके हमेशा कहाँ दिखाता है, सेंटर को, ठीक है। इस जो सर्कुलर आर्क है, जो सर्कुलर आर्क है उसके सेंटर को दिखा रहा होगा, ठीक है। हर समय ये उसके, जैसे यहाँ पर है, ये यहाँ पर जा रहा होगा, यहाँ पर भी ऐसे जा रहा होगा, यहाँ से भी इसको ऐसे, तो हर समय जो फोर्स दिखाता है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में है और वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज घुस रहा है उसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या करेगा, सर्कुलर बनाएगा और सर्कुलर में जो फोर्स दिखाएगा वो फोर्स हमेशा कहाँ दिखाएगा, उसके सेंटर की तरफ दिखाएगा, ओके, उसके सेंटर की तरफ दिखाएगा। चलिए, इतना बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब वेट अ मिनट, अब अगर इस वाले को बात की जाए, ठीक है, तो ये वाला 90 है, ये वाला, देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा बना देते हैं आपको समझ में आता है, ऐसा था और ये ऐसा था और ये ऐसा था। तो ये वाला एंगल 90 है, ठीक है, ये 30 है, तो ये कितना हुआ, 60 हो गया, क्लियर एवरीवन। ये 60 था और ये हमेशा, ये क्या है, ये टेंजेंट है इसकी, इस पॉइंट पर हमेशा टेंजेंट और उसकी रेडियस, सर्किल की रेडियस कितना बनाती है, कोई बता सकता है कितना बनाएगी, 90 डिग्री। तो ये 60 हो गया, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। ये 30 हो गया तो ये कितना हुआ, ये 90 हो गया और ये कितना बनाया, इसने कितना बनाया, 60। तो इसका मतलब अगर हम इस एंगल के बारे में बात करें, वेट अ मिनट, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना बना रहा है, 60 बना रहा है। इसी तरह से ऊपर का एंगल भी 60 बना रहा होगा, तो हम लगाते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा इक्वल टू मतलब एंगुलर डिस्टेंस जितना चला उसने थीटा के फॉर्म में, ठीक है, एस की जगह हम थीटा से रिप्लेस करते हैं सर्कुलर वाले में, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ठीक है। आप देखिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू कोई बता सकता है, 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 2π/3, ओके, क्या लिख सकते हैं, 60 ओके, ये 60 है और ये 60 है, दोनों साइड लेंगे ना, तो ये हो गया टोटल 120, टोटल हो गया 120 बच्चों। तो 120 को कितना लिख सकते हैं, 2π/3, ठीक है, 80/3 मल्टीप्लाई करा के आपको दिखा देते हैं, 60 × 2 और ये आ गया 120, तो यही ले सकते हैं, ठीक है, यही ले सकते हैं। तो क्या लिखें, 2π/3, 2π/3 ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू सबको मालूम है, ओमेगा की वैल्यू नहीं मालूम है तो आप मेरा पहला लेसन देखें, पहला नहीं, इससे जस्ट 2-3 लेसन पहले, वहां पर हमने ओमेगा की वैल्यू बताई है, ठीक है, इनटू टी। अब यहां से आप जब सॉल्व करोगे तो टी इक्वल टू 2π/3 qb, ओके एवरीवन, ये है हमारा आंसर, क्लियर एवरीवन, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि क्वेश्चन नहीं आते ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा है 2019 का एक क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को कोई सॉल्व करने की अगर कोशिश करना चाहता है तो कर सकता है, कोई करना चाहता है तो कर सकता है, मैं 2 मिनट का समय देता हूं उसको, ओके। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक की वन सेकेंड, हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा हुआ है
ए प्रोटॉन, ठीक है, एक प्रोटॉन है एंड अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल है विद देयर मासेस इन द रेशियो ऑफ 1:4, ठीक है। चलिए लिखते भी जाते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का रेशियो जो दिया है 1:4 दिया हुआ है, एंड चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन विद द मास इन द रेशियो ऑफ 1:4 एंड चार्जेस दिए, सॉरी, ठीक है, चार्जेस जो दिए हैं क्यू पी अपॉन क्यू अल्फा इज इक्वल टू 1:2 दिया हुआ, ठीक है। आर एक्सीलेटेड फ्रॉम द रेस्ट से एक्सीलेट होते हैं थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वी था उसकी वजह से वो एक्सीलेट हुए, ठीक है। इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज सेट परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी का मतलब क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी का मतलब आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ आर पी एंड अल्फा, ठीक है, आर पी मतलब रेडियस ऑफ प्रोटॉन एंड रेडियस ऑफ अल्फा, ठीक है। चलिए, हमको मालूम है हमारा जो फॉर्मूला है आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी होता है, ये तो सबको मालूम है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस रेडियस को हमने एक फॉर्मूला और बताया था इसी के साथ, 2mk अपॉन क्यू बी, और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये क्या है, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है, के इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द चार्ज। तो वर्क डन बाय द चार्ज क्या होता है, क्यू इंटू डेल्टा वी होता है, ठीक है, क्यू इंटू डेल्टा वी होता है। तो आप इसको यहां पर रख दो, ठीक है, इस वाली चीज को आपने, काइनेटिक एनर्जी को हमने कहां पर, यहां पर रखा, तो क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ 2m, ठीक है, 2m k के बाद q डेल्टा v, ठीक है, अपॉन q भी आएगा, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से, सिंपल हमने वर्ड्स में सिंपल सिंपल चीजें रखी हैं, ठीक है। अब देखिए, m वेरिएबल है, b फिक्स है, ठीक है, q भी वेरिएबल है, कौन कौन से फिक्स है, डेल्टा v फिक्स है और b फिक्स है। तो अगर आप इसको देखो, और टू तो फिक्स होता ही है, टू तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो अगर देखो तो r, r इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m बाई क्यू, ठीक है, r इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m बाई क्यू। तो r ऑफ अल्फा पार्टिकल, r ऑफ प्रोटॉन पोल, r ऑफ p अपॉन r ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू m ऑफ प्रोटॉन बटे m ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू अंडर रूट ऑफ q ऑफ प्रोटॉन अपॉन q ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब m इसकी वैल्यू क्या है, 1/4 है, इसकी वैल्यू 1/4 है, और इसकी वैल्यू 1/2 है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको यहां पर लिखते हैं, इज इक्वल टू 1/4 अंडर रूट में और क्यू पी अपॉन क्यू पी, ठीक है, ये आया अंडर रूट ऑफ 2/1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, अगर आप इसको सही से सॉल्व करोगे तो ये आएगी 1/2 इंटू रूट टू, ठीक है, और इसको फिर से अगर आप करोगे तो 1/√2 आएगा, ठीक है। तो 1/√2 का ऑप्शन दिख रहा है, या ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। बहुत ध्यान से देख लीजिए, इस क्वेश्चन में कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हो प्लीज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है, वहां पर 2-3 पार्टिकल दिए थे और कुछ कुछ उसका कंपेरिजन कराया गया था, तो इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये आईआईटी जेई का 2013 का एडवांस क्वेश्चन है, 2013 का क्या है बच्चों, एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। तो जरा इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, पेज है, ठीक है। चलिए, क्या लिखा हुआ है, ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है मास m है, ठीक है, एंड पॉजिटिव चार्ज q, पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है q, ठीक है, मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी u इज इक्वल टू 4i, वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी i डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में वो एंटर करता है, ठीक है, फील्ड नॉर्मल टू xy प्लेन, नॉर्मल टू xy प्लेन का क्या मतलब है, देखिए ये हमारा xy प्लेन है,
ठीक है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और ये हमारा एंटर करता है 4i से, ठीक है, 4i से यहां से मान लीजिए यहां से एंटर कर दिया, ठीक है, 4i से इसने एंटर किया, ui यहां से लिख देते हैं, ठीक है, ui जो u1 लिखा है, सॉरी u1 से एंटर करता है, ठीक है, और x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l, द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l, मतलब यहां तक मान लीजिए ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू l, ठीक है, यहां तक ही रीजन है, इसके बाद रीजन नहीं है, एक मिनट, बस इसके बाद रीजन नहीं है, वो वहां पर खाली स्पेस है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है, अलोंग y, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y, मतलब वैल्यू ऊपर y तक कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू ऊपर कितना भी मैग्नेटिक फील्ड लंबा है, लेकिन x में कन्फाइंड रीजन दिया हुआ है, ठीक है, आफ्टर पासिंग थ्रू दिस रीजन द पार्टिकल emerges on the other side. Emerges on the other side after 10 millisecond. 10 millisecond दिया, मतलब 10 into 10 to power of minus 3 second दिया है, ठीक है? With a velocity of, अच्छा अच्छा, वो ऐसे करके कुछ जाता है और ऐसे करके यहाँ से निकलता है, ठीक है? ये दी है U2, ठीक है? ये दिया हुआ है U2, ठीक है? Clear हो गया? ऐसा कुछ situation है, पहले situation को clear कीजिए कि XY magnetic field है, कुछ एक confined region में है, जिसमें y तो ऊपर तक जा रहा है, y में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर तक गई है, लेकिन x में कहां x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक गई है, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं, यहां से यहां तक है और ये l है, ठीक है, x इक्वल टू 0 से l तक गई है, और यहां पर जो है जो एंटर कर रहा है वो 4i है, लेकिन जो एग्जिट कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो है ये वैल्यू, ठीक है, तो इसका मतलब जब ये एग्जिट कर रहा होगा तो इसका वैल्यू का थीटा को हमको फाइंड आउट कर सकते हैं, थीटा को सभी लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए पहले हम थीटा को फाइंड आउट करते हैं, क्यों, देखिए ये U2 की जो वैल्यू है, देखते हैं U2 की वैल्यू जो है 2√3i + 2j दी हुई है, ठीक है, तो tan थीटा अगर निकाला जाए, ये वाला tan थीटा, ठीक है, जिससे वो एग्जिट कर रहा है विद अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कोई बता सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2/√3, यानी ये आया 1/√3, ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेट करो तो थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, थीटा की वैल्यू आएगी 1/√3, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, सॉरी, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी 30 और इसकी वैल्यू आएगी π/6, ये आ गई π/6, ठीक है, अब देखिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या इसने कहे हैं, पहला इसने कहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज -z डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज -z डायरेक्शन, क्या ये सही है कि नहीं सही है, या क्या लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पॉजिटिव z डायरेक्शन, देखिए हमने जिस हिसाब से लिया है उस हिसाब से, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में आप समझने की कोशिश करो पहले, ठीक है, कहीं ऐसा ना समझ बैठो कि बाहर की तरफ हमने निगेटिव लिया, नहीं, बाहर की तरफ हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, तभी हमारा ये सिचुएशन बन पाएगी, ये फिगर बन पाएगा, अन्यथा ये फिगर नहीं बन पाएगा, आप समझ लो, अगर ये बाहर होता तो हमने ऐसे एंटर कराया होता, ठीक है, और जब ऐसे एंटर कराया होता और ये बाहर होता तो ये जो ये कैसा घूमने लगता, ये कुछ ऐसा घूमने लगता नीचे की तरफ, ये कुछ नीचे की तरफ आने लगता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, किसके, x और y के, तो इसको ऐसे ही मूव करना है, इसको ऐसे ही मूव करना है, ओके बच्चों, इसको ऊपर की तरफ ही मूव करना है, ठीक है, क्लियर हो गया, तो इसलिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो निगेटिव डायरेक्शन में होगा और अंदर की तरफ होगा, ठीक है, एक बात ये क्लियर हो गई, दूसरा पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे हम निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी अभी हमने जस्ट पहले यूज किया था, उससे निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, ठीक है, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, चलिए अब हम थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लगाते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लगाते हैं बच्चों, और थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, π/6, ओके एवरीवन, थीटा की वैल्यू हमने π/6 निकाली थी, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, q b/m, स्मॉल है छोटा है बड़ा है m,
एम बड़ा बनाया हुआ है, क्यू बी बाई एम, ओके। और टी की वैल्यू कितनी थी, 10 मिली सेकेंड थी, तो 10 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 3। क्या पूछा क्या गया था, एक मिनट, 10 इंटू 10 टू पावर ऑफ, बी की वैल्यू पूछी गई है, किसकी वैल्यू पूछी गई है, बी की वैल्यू पूछी गई है, तो मास तो दिया नहीं है, ठीक है। तो अगर हाँ, अब इसको क्या कहें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई जब करोगे तो ये आया 10 टू पावर ऑफ 3, 1 सेकेंड, 10 मिली सेकेंड दिया हुआ है ना, तो 10 टू पावर ऑफ 3, 10 टू पावर 3, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। बी की वैल्यू चाहिए, तो बी इज इक्वल टू पाई बाई 6 इंटू 10 टू पावर ऑफ 2, क्योंकि यहाँ पर 3 2 हो जाएगा, ठीक है, क्यू बी बाई एम, ठीक है। अब इसका क्या क्या आंसर है देखें, 50 बाई 3, हाँ ठीक है, 50 बाई 3 आंसर आना चाहिए, क्यू नीचे आना चाहिए था, क्यू कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखें बी की वैल्यू हमने निकालनी थी एम, हाँ हाँ ठीक है बेटा, इसको एम ऊपर कीजिए थोड़ा सा और इसको क्यू नीचे कीजिए, ठीक है, एम बाई क्यू, रीअरेंजमेंट किया है, बस रीअरेंजमेंट करने में मैंने गलती की थी। तो अगर ये 100 है और ये आएगा, तो 50 बाई 3 पाई, ओके, बी एम बाई क्यू, ठीक है। तो ये कोई ऑप्शन बन रहा है क्या, या ऑप्शन नंबर थ्री, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बच्चों। ये आईआईटी जेई का एडवांस का प्रॉब्लम है, ठीक है, किसका प्रॉब्लम है, आईआईटी जेई का एडवांस का प्रॉब्लम है इसको, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ये मल्टीपल चॉइस मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में आया था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी कोई क्वेश्चन है आईआईटी जेई का, इसको करने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, द पार्टिकल ऑफ मास एम, ठीक है, एंड चार्ज क्यू मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी अलोंग अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, अगर मान लो एक्स वाई, हम ये एक्स मान लें, तो इधर की तरफ वो मूव कर रहा है वी से, ठीक है। इट एंटर्स ए रीजन कंटेनिंग ए यूनिफॉर्म फील्ड बी, यूनिफॉर्म फील्ड बी है, उसमें एंटर करता है डायरेक्टली अलोंग अ नेगेटिव जेड डायरेक्शन, ठीक है, जेड डायरेक्शन एक्सटेंडेड फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू बी, जैसा वहां पर दिया गया था जीरो से एल, यहां पर कह दिया गया है एक्स इक्वल टू ए से बी तक एक्सटेंड है, मतलब एक्स इक्वल टू ए, ये बी, ये एक्स है और यहां पर ये एक्सटेंडेड, ठीक है, ऐसा है ए टू बी, द मिनिमम वैल्यू वी, मिनिमम वैल्यू चाहिए वी, रिक्वायर्ड सो दैट द पार्टिकल कैन जस्ट एंटर द रीजन बी, ठीक है, जस्ट एंटर, इसका क्या मतलब है बच्चों, द पार्टिकल कैन जस्ट एंटर द रीजन बी वेयर एक्स इज ग्रेटर देन, ये जो एक्स इज ग्रेटर देन लिखा हुआ है बी, ठीक है। तो इसका मतलब जब पार्टिकल जाए, ठीक है, तो क्या हो, ये वाला जो है ऐसे करके जाए, ऐसे बस ऐसे टच करता हुआ और ऐसे करके निकल जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका रेडियस क्या होना चाहिए, रेडियस जो हो, जो b माइनस a ही तो रेडियस को फॉर्म करेगा, तो जो b माइनस a है, ठीक है, अगर ये कम होता तो ये क्या होता, ये पार्टिकल ऐसे करके निकल जाता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मुझे ऐसा चाहिए है कि इतना चाहिए है कि वो क्या हो जाए, देखिए फिर से बोलिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी रिक्वायर्ड सो दैट द पार्टिकल जस्ट एंटर द रीजन ग्रेटर एक्स इज ग्रेटर देन बी, जस्ट एंटर करे, ठीक है, एंटर करे जस्ट, ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, बी माइनस ए जो इसकी वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, ठीक है, ये ग्रेटर देन आर होगा अगर, तो क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन बी होगा, ठीक है। अब अगर आर इज ग्रेटर देन बी माइनस ए होगा, तब क्या होगा बच्चों, कोई बता सकता है, आर इज ग्रेटर देन बी माइनस ए, तो कौन सी कंडीशन है, तो कंडीशन होगी ये वाली, आर जो है हमारी रेडियस बड़ी हो, किससे, बी माइनस ए से, ठीक है, आर की जो रेडियस है, जो ये रेडियस है, ये आर,
ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, बी माइनस ए से, तो कैसे होगा, ये ऐसे चला गया, ये कंडीशन है आर इज ग्रेटर देन बी माइनस ए, ठीक है। और ये वाली कंडीशन क्या है, बी माइनस ए इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। बी माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी, आर से बड़ी होगी, तो क्या होगा, ये अपना लौटने लगेगा, लेकिन हमें ऐसा लौटाना नहीं है उसे, हमें क्या करना है, हमें उसे बाहर निकालना है जस्ट, ठीक है। उस केस में क्या होगा, R की वैल्यू क्या होगी बच्चों, R की वैल्यू हम रखेंगे एम बी अपॉन क्यू बी, ठीक है, इज ग्रेटर देन बी माइनस ए, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो V इज ग्रेटर देन क्यू बी माइनस ए इंटू बी अपॉन एम, ये वैल्यू आएगी, तो ऑप्शन हमारा क्या आएगा, बी करेक्ट, कौन सा आएगा, बी करेक्ट। फिर से समझ लो, देखो अगर रेडियस, अगर रेडियस इससे ज्यादा है, इस b माइनस ए से डिफरेंस से ज्यादा है, तो पार्टिकल कहां निकल जाएगा, अगर रेडियस ज्यादा है तो पार्टिकल निकल जाएगा यहां से ऐसे करके, और अगर b माइनस ए, ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये वाली कंडीशन है, तो पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन करके फिर से इधर आने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्लियर है एवरीवन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, बी। और यही पूछा था कि वो कंडीशन बताओ कि पार्टिकल जस्ट उसको क्या करे, एंटर बी रीजन में कर जाए, उस रीजन को बताओ, उस केस में वेलोसिटी बताओ। ओके एवरीवन, आई थिंक सभी को सब कुछ सही से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स हंट पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके एवरीवन, तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो जे एस लाइव का यूज करें और अनअकैडमी लर्निंग स्टूडियो के पार्ट बने और लेट्स क्रैक जेई के भी पार्ट बने। ओके एवरीवन, थैंक यू।